Okay. Okay, you just put it in there. Yeah. Okay. Okay. मतलब यहाँ कुछ भी हो रहा है पर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी. No meat. वेलकम बैक टू माई चैनल. आज ताइवान में हमारा फर्स्ट डे है. फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ताइवान के बारे में कुछ दिनों पहले तक ज्यादा कुछ पता नहीं था. सिर्फ एक ही बात पता थी कि ताइवान में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो है TSMC. बस इतना ही मुझे ताइवान के बारे में पता था. और जब मैंने आइटनरी बनाना शुरू किया ना तब मुझे ताइवान के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता चली. वो सब हम धीरे धीरे करके सारी वीडियोस में जान जाएंगे. ताइवान के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ताइवान कंट्री जो है ये चाइना के साउथ ईस्ट साइड पे है. सो ये आइलैंड कंट्री है, छोटी सी कंट्री है. इनकी पॉपुलेशन जो है वो आई गेस 24 मिलियन है. छोटा सा देश है पर TSMC जैसी बड़ी कंपनी है. सो ताइवान की जो कैपिटल सिटी है वो है ताइपे और हम रुके हैं ताइचुंग सिटी में. ताइवान में चाइनीज मैंडरिन भाषा बोली जाती है. यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर. यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आता है बसेस, सिटी बसेस, इंटरसिटी बसेस, फिर आता है मेट्रो MRT. MRT जो है वो मेनली ताइपे में है, फिर ताइचुंग में भी है पर ताइचुंग में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है. उसके बाद काउशुंग करके सिटी है वहाँ है. फिर आती है ट्रेन TRA, एक ट्रेन है जो नॉर्मल ट्रेन है और एक है बुलेट ट्रेन जो है HSR. कल मैंने जो इजी कार्ड लिया ना वो यहाँ की बसेस में चलता है, MRT में चलता है. TRA की कुछ ट्रेन है जो छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करती है ना उसी में ही चलता है. और HSR में भी पंच करने का सिस्टम नहीं है बट टिकट निकालने के लिए आप इजी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो. ये सारी बातें सुन के ना आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगी. अब मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगा था पर जब हमने कल HSR का टिकट निकाला ना तो इतना कुछ डिफिकल्ट मुझे लगा नहीं. मैं मेरी ताइवान की पूरी जर्नी में आपको सारी चीजें बताऊंगी, जैसे हम ट्रैवल करेंगे, बस से करेंगे, ट्रेन से करेंगे, कैसे करना है, टिकट्स कहाँ से लेने हैं, वो सब कुछ मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी. आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस न्यू कंट्री. ताइचुंग में आसपास जो कुछ भी है ना वो हम देखेंगे. अभी मैं ताइचुंग में शेंजी विलेज करके एक जगह है वहां जाऊंगी. सो लेट्स गो. रिसेप्शन के पास का वाला एरिया है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है. मैं अभी बस में बैठ गई. यहाँ की बसेस जो है ना वो टाइम पे नहीं आती, थोड़ा बहुत डिले होता है और पूरी बस में मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है. ये रहा शेंजी न्यू विलेज. मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे ना फुटपाथ नहीं है. रोड पे चलना ना एकदम सावधानी से चलना क्योंकि टू व्हीलर वाले एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है और दूसरी बात कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सिग्नल्स नहीं है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. लेफ्ट राइट के सिग्नल्स जब रेड हो जाए तब क्रॉस करना, ये मैंने यहाँ के लोगों से देखा है. यहाँ तक आने का रास्ता जो था ना, मैंने 12 मिनट्स तक वॉक किया, वो बहुत ही सुनसान टाइप्स था. Sticker. Oh, okay. For how much? How much? 100. Okay. Oh wow. Guys, यहाँ पे बहुत सारी क्यूट क्यूट चीजें हैं.
就留在这里。你学了做，最后得到一个。喝一杯塞的。不少。What's that? We sell this. If you like the little pup, you can keep it. Oh, okay. It's a meal. Okay. Okay, you just put it in there? Yeah. Okay, okay. That's cool. This is our menu. Okay. तो गाइस ये स्ट्रीट पर ना ज्यादा कुछ है नहीं, क्यूट सी चीजों के स्टॉल्स है, छोटी छोटी गलियां है और मुझे बहुत अतरंगी चीजें दिखी. A few moments later. गाइज अभी हम एक नाइट मार्केट में आए हैं, जी होंग करके ये नाइट मार्केट है. ये क्या है, गुलाब जामुन और रसगुल्ले जैसा दिखने वाला, पता नहीं क्या है भाई. अरे ऐसा सेम स्टोर तो कोरिया में भी है. गाइज ये एक्चुअली कोरियन स्टोरी है क्योंकि सब के ऊपर मेड इन कोरिया लिखा है. ओके. ये तो हमारे यहाँ जो होता है ना रिंग डालने वाला, वैसा ही कुछ लग रहा है. ये कुछ ऐसा लग रहा है कि खुद अपने इंग्रेडिएंट्स पिक करो और रामेन और नूडल बनाने के लिए दो. कूल है. ये क्या चल रहा है, गेम्स खेल रहे हैं मार्केट में बैठ के. कपड़े वपड़े तो एकदम कोरिया जैसे ही लग रहे हैं, मतलब कुछ अलग फैशन नहीं है इनका. अरे वाह, यहाँ तो मसाज भी है. ये मार्केट ना मुझे बहुत सही लग रहा है, मतलब यहाँ कुछ भी हो रहा है. कई के स्टॉल्स पे बच्चे गेम खेल रहे हैं और किसी स्टॉल पे मसाज भी चल रही है. कई सारे कोरियन रेस्टोरेंट है, कोरियन कपड़ों के दुकानें हैं. बहुत बड़ी मार्केट है, मैं अभी दूसरी साइड जाऊंगी इसके. ये तो कोरिया में भी मिलता है, मतलब स्ट्रॉबेरी को सिर्फ शुगर कोट किया है. अरे भाई ये क्या है, ये तो हम समुंदर से उठा लाते थे, ये खाते हैं. ये सारे अंडे वाले पैनकेक्स लग रहे हैं. What's going on?
गाइस यहाँ पे इतनी सारी चीजें है खाने के लिए, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, पर मोस्टली नॉनवेज ही लग रहा है, इसलिए मैंने ये टी लिया है। पता नहीं कौन सा है, उनसे ही मैंने पूछा आप सजेस्ट करो, ये बहुत ही खराब वाला टी है। उनकी मेन्यू में आसाम टी देखा पर वो नहीं लिया, ये उनका रिकमेंडेशन था। बहुत ही बड़ा कप है पर अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। You have anything vegetarian with egg? Egg is fine. No vegetarian? Sorry. No meat. No meat. No meat. No meat. मैं तो थक गई भाई। ये जो स्टॉल्स है ना जहाँ हम खुद इंग्रेडिएंट्स पिक करके उनको दे सकते हैं खाना बनाने के लिए, वो वाले स्टॉल्स बहुत जगह दिख रहे हैं। ना प्राइस की बात करें, सारी चीजों की प्राइस लगभग जैसे कोरिया में होता है ना वैसा ही है। यहाँ बहुत सस्ती चीजें यहाँ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। One hour later. दिन में ही ताइवान का नाइट मार्केट देख लिया। वैसे तो मुझे वो नाम का ही नाइट मार्केट लग रहा था, दिन में भी वहाँ इतनी भीड़ थी और मुझे इतना मजा आया, कुछ नहीं सिर्फ लोगों को देख के मुझे बड़ा मजा आया। मतलब उस मार्केट में क्या क्या चल रहा था, और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली लगे मुझे, और मैं नाइट मार्केट से जल्दी आ गई क्योंकि कल मुझे जाना है एक टूर में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा ये भी कमेंट करके बता देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ना मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।